जा, ओ तेरी बहुत ही तेजी में जा रहे हैं। पता नहीं सुहेब भाई को रोक भी रहा हूँ कि ऐसा चलाओ, पर सुहेब भाई बिल्कुल नहीं मान रहे। इतनी तेजी से 1122 वाले भी नहीं जाते जितनी तेजी से हम जा रहे हैं। तो इस वक्त मैं और मेहदी बैठे हैं, हमारा एक दोस्त है उमर, इसने FSC फर्स्ट ईयर हमारे साथ किया था, बाद में छोड़ दिया, अब ये दुकान इसने बनाई हुई है। आज हमने जाना है जंग पे, 12 हैं रेस्टोरेंट उधर, और हम मैं अपने दोस्त की और मेहदी इंतज़ार कर रहे हैं ज़ुएब की, उसने गाड़ी लेके आनी है और हमने जाना है। टाइम भी 1.5 घंटा रह गया है और जंग का सफ़र भी 50 किलोमीटर है और सारा रोड टूटा छूटा हुआ है। अब पता नहीं वो कब आएगा और हम कब जाएंगे। बहुत उसने ज़्यादा 45 मिनट देर होगी उससे। ज़ुएब अभी तक नहीं आया, अभी ये दर्जी की दुकान है और इधर मैंने अपने 5 सूट दे दिए और अभी तक वो नहीं आया, आधा घंटा और गुजर चुका है। मुझे तो नहीं लगता कि हम जंग जा पाएंगे। बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद ज़ुएब भाई आ चुके हैं और फास्ट एंड फ्यूरियस बनाई हुई है। इस वक्त हम फुल स्पीड में जा रहे हैं और ज़ुएब भाई को कहा भी है कि ऐसा चलाओ, पर ज़ुएब भाई पता नहीं हमें जन्नत में पहुंचाने का इरादा है। 12 मिनटों पे हेड पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही ख़तरनाक हालात हैं। ये हेड रिमू है सामने वाला, तो बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस वाला सीन है। मेहरान में जा रहे हैं और मेहरान को इसने क्या कहते हैं सुपरा बनाया हुआ, सुपरा। अगर किसी ने हेड रिमू नहीं देखा हुआ तो आज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हेड रिमू इधर है, इधर जेलम और चनाब क्या कहते हैं मिलते हैं, और ये दरिया इधर को जाता है, और तकरीबन ये 1 किलोमीटर से ज़ायद लंबा पुल है। ओ तेरी बहुत ही तेज़ी में जा रहे हैं, पता नहीं ज़ुएब भाई को रोक भी रहा हूँ कि ऐसा चलाओ, पर ज़ुएब भाई बिल्कुल नहीं मान रहे। इतनी तेज़ी से 1122 वाले भी नहीं जाते जितनी तेज़ी से हम जा रहे हैं। ज़ुएब भाई ने हमें 12 पे पहुँचा दिया है, हम तकरीबन 6:20 पे पहुँचे हैं और पहुंच गए हम। ये पीछे ये 12 पे सीटिंग है रूफ पे, ऊपर आसमान है। तो अफ्तारी में अभी पड़ा है तकरीबन 20 मिनट, 20 मिनट कितने पड़े, 10 मिनट पड़े हैं। तो अभी 12 पे आ गए, अभी आपको दिखाता हूँ सीटिंग इनका एरिया और रूफ पे जो सिस्टम है सब। ऊपर 12 पे खाना खाने के बाद, इफ्तार और डिनर करने के बाद, अब हम आए हैं उनसे लंदन है फर्स्ट फ्लोर पर, वो था चौथे पर, उनसे लंदन। हाँ अभी ये ज़ुएब भाई जूते ट्राई कर रहे हैं। ज़ुएब भाई कैसा लगा आपको? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसा लग रहा है शुरू? मैंने कहा आपको दिल जो कहते वही करो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले लो। मादी आपको कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है, आप भी ले लो, इजाज़त है आपको। तो इस वक्त मैं कुर्ता ट्राई कर रहा हूँ ईद के लिए, ब्लैक कलर का कुर्ता है, मुझे तो सही लग रहा है भाई, ठीक है। और ये कितने के प्राइस भी आपको बता दूँ, 4490 मतलब 4490 का, पर ठीक है, नीचे सफ़ेद सलवार हो जाएगी और ये कुर्ता, मतलब ईद सही गुजर जाएगी लग रहा है। पेट शेड भी कम करना पड़ता है भाई, UCP में जिम ज्वाइन करनी है, ये रमज़ान गुजर जाए उसके फौरन बाद। और बड़ी ईद तक ये मैंने जो अभी मेरा साइज़ है लार्ज, ये मैंने मीडियम पे लाना है, और ये जे डॉट पे आया खड़ा हूँ और आपको बाहर का माहौल भी दिखाता हूँ।